PS1 कोर स्टेज S139 बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। यह चरण करीबन 109 सेकेंड्स तक जलकर 4,800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 50 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 1.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग प्रदान करेगा। इस चरण के दौरान ही प्रथम चरण को पृथक करने के पश्चात द्वितीय चरण का क्रिएट प्रज्वलन कर शुरू लिया हो क्या उसे जाएगा। द्वितीय चरण माइनस के फोर्टी दौरान मिनट्स ऊष्मा कवच यानी पेलोड फेयरिंग को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण का प्रज्वलन 152 सेकेंड तक चलेगा और यान इस चरण के दौरान 169 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 4.23 किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर चुका होगा। द्वितीय चरण के पृथक्करण के 1 सेकेंड के पश्चात तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। यह चरण फिर से ठोस नोदक वाला चरण है और इसे उच्च निष्पादन HPS-3 मोटर कहा जाता है। यह 120 सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। इस समय यान की ऊंचाई 220 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.24 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। फिर शुरू होता है कोस्टिंग फेज, जिसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की काफी अतिरिक्त ऊंचाई तेज उसे प्राप्त करेगा और यान की गति में मामूली गिरावट आएगी। फिर यान से तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा। यान इसके 263 सेकंड के पश्चात ही चतुर्थ चरण को प्रज्वलित किया जाएगा। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो प्लस 5 सेकेंड लिफ्ट ऑफ नॉर्मल ईवन ट्रैकिंग एंड वी हैव अ लिफ्ट ऑफ द पीएसएलवी C56 फर्स्ट स्टेज बर्निंग ब्राइट एंड द थ्रस्ट इज रिपोर्टेड टू बी नॉर्मल। जी हाँ, अभी अभी आपने देखा पीएसएलवी C56 प्रमोशन यान स्टेज का परफॉर्मेंस नॉर्मल सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोशन मंच से, और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है।